तो हमने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, जिसमें हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा, हमने इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जाना, हमने उसके टर्मिनेशन के बारे में जाना। तो इस एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। पिछले वाले में इरेशनल के बारे में जाना, इसमें हम रेशनल के बारे में जानेंगे। तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। जैसे कि हमने अर्लियर क्लास में या लास्ट वाले एक्सरसाइज में पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसे हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में देखा था, एक होगा विथ डेसिमल और एक होगा विदाउट डेसिमल या इंटीजर या पूर्णांक, ठीक है। तो हमने अब इसे फर्दर फिर से कैटेगराइज किया था कि विद डेसिमल वाले नंबर्स एक तो रेशनल हो सकते हैं और एक हो सकते हैं इरेशनल। साथ ही इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, तीन पार्ट में कैटेगराइज किया था। तो एक था होल नंबर, एक था नेचुरल नंबर और एक था इंटीजर, ठीक है। तो हमने लास्ट वाले पार्ट में इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। साथ में इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। और जब इरेशनल की बात आती है, तो हमने जान लिया था कि इरेशनल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिकरिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और फर्दर हमने रियल नंबर में भी देखा था कि इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो हमने इसके फर्दर एग्जाम्पल भी देखे थे कि टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, जिसका जिसका डेसिमल के बाद एक्सपांशन कुछ हद तक चल के खत्म हो जाता है। जैसे कि 1/2, एक ये टर्मिनेट हो गया, 2/5, 0 ये टर्मिनेट हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता था, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता था, जैसे कि कोई नंबर रिपीट करने लगता था 1.222, तो इसको हम फर्दर ये रिपीट करते जा रहे थे, 1.2 बार लगा देते थे। और वही जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, तो ना तो यहाँ पास नंबर टर्मिनेट होता था ना तो रिकर करता था, ठीक है। तो यहाँ पास हो गया 4, 5, 6, 8, 9, 1, 4, 9, 3, 2 एंड समथिंग एंड ऑन, ठीक है। तो ना तो यहाँ पास नंबर रिकर कर रहा है ना तो यहाँ पर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस वाले एक्सरसाइज में इस वाले पार्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो हमको इस वाले एक्सरसाइज में इस वाले पार्ट के बारे में जानना है, ठीक है। तो अब हम इसे, आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा टाइम में इसको मिटाए दूंगा, तो आप इसे जरूर से एक बार नोट कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे विथ डेसिमल में रेशनल के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बारे में। तो अभी हमने देखा कि इसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक होगा रेशनल में, एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अब मैं आपको बोलूं कि हमें टर्मिनेटिंग नंबर्स को देखना है, तो मैं अगर बोलूं कि 1.256, 1.24, 2.5,
फाइव सिक्स, ये नंबर्स हमको किसी नंबर के सिंप्लीफिकेशन से मिलता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो आपको देखने से पता चल जा रहा है कि एक टाइम के बाद ये डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये तो आपको पता चल जा रहा है। पर वही बार मैं आपसे पूछूं कि 4.5, 6.5, 7.3 क्या टर्मिनेटिंग है, तो आपको इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग बनेगा। पर अब मैं आपको बोलूं कि हम इस प्रोसेस को ना करके भी ये पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, तो क्या आप मानोगे? तो हम बिल्कुल इस एक्सरसाइज में इसी के बारे में कैसे हम उसको फाइंड करेंगे जानेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए एक पैटर्न बताऊंगा कि आप बिना डिवाइड किए उस पैटर्न से समझ जाएंगे कि जो ये नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ डेसिमल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम बिना डिवाइड किए ये बता सकते हैं कि जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को लिख ले रहा हूँ जैसे कि फर्स्ट है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसे रेशनल बना लेते हैं। ठीक है, तो रेशनल बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो अब इसे हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको पता है कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले थ्रीजा से जाएगा, थ्रीजा टूजा, टूजा और फाइवजा। ठीक है, अब ये फिर से फाइव से जाएगा फाइव, और फिर से फाइव से जाएगा वन। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया? थ्री इंटू फाइव टू द पावर थ्री। ठीक है, तो अब नीचे वाला हमको पता है कि हम इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। साथ में इस क्वेश्चन के लिए भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो फिर से 104 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 52, 2, 2, 6, 2, 1, 3 एंड 13, 1, 2, 3, 13 एंड सेम हमारे पास तो नंबर सेम है, सो 5, 3। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमें पता था कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स है, टर्मिनेटिंग हमको जो नंबर्स मिले हैं उनका एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमने उसे फर्दर रेशनल नंबर बनाया। तो हमें यहाँ पर अब एक पैटर्न देखने को मिला, एक पैटर्न देखने को मिला कि जो डिनोमिनेटर हैं उनमें हमें जो नंबर्स मिले, जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने से फैक्टर्स मिले, वो 2n और 5m के फॉर्म में है। ठीक है, या इसी को हम 2m 5n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां वेयर n एंड m आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव कर देने से फिर वो फिर से ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो पैटर्न देखा उसे हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 1.5 में हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, जैसे कि 3.8, 5.7, 9.10, तो हम इस रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को बता सकते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग एक्सपांशन होगा या टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो अब हमको इस थ्योरम के थ्रू ये बोला गया है कि हम डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखेंगे। अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2m और 5n के फॉर्म में आ जाए तो फिर नंबर टर्मिनेटिंग होगा। कैसे टर्मिनेटिंग होगा? तो अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को लेके, 3/8। तो अब हम इसे फर्दर
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखने वाली बात है कि हमें डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है उसे चेक करना है कि वो इस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्म में है कि नहीं ये जानने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें। तो डिनोमिनेटर को जब हम देखते हैं तो अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे 2, 3। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि मैं जो 2 को देखूँ तो यहाँ पर भी एक 2 है, m के जगह 3 है, पर यहाँ पर 5 नहीं है ना, n नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इंटू करना चाहें तो 1 का कर सकते हैं। और 1 इज इक्वल टू किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 डाल दे तो वो 1 आ जाएगा। जैसे कि n टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 इंटू 3 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो वैसे ही हमने यहाँ ये नंबर जैसा था उसमें हमने इंटू 1 कर दिया, पर उससे कुछ फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला है कि नंबर तो वही आएगा। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा चेंज करेंगे जिसके थ्रू हम इसे इस पैटर्न में बना लेंगे। तो 3 and 5, 0, 5 to the power 0। तो हम इसे फिर से ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 5 to the power is equal to 1। तो अब हमने इस पैटर्न को यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर अगर हम इससे इसको कंपेयर करेंगे तो 2 से 2, m की जगह 3, 5 की जगह 5, n की जगह 0। तो हम इस वाले नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले नंबर्स को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3/2, 3 इंटू 5 0 कर दें तो हम इस वाले पैटर्न को ले आएंगे, और इस वाले पैटर्न पे जब हमारा डिनोमिनेटर आ गया तो हम अब बोल सकते हैं कि जो 3/8 है वो एक टर्मिनेटिंग एक्सपांशन का होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7 को देखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से भी हमें यही मिल रहा है, यहाँ पर हमें को प्राइम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसे 2m और 5n के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि 7 को हम ऐसे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम जान गए कि ये टर्मिनेटिंग नंबर तो नहीं है। तो अब ये नंबर कौन सा होगा? तो हमने इसके पहले ये देखा था कि टर्मिनेटिंग के लिए रूल है, जो डिनोमिनेटर है वो 2m 5n के रूल को फॉलो करना चाहिए, और अगर नहीं करता तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बन जाएगा। तो अब ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसको देखेंगे तो 9, 3, 2 and 2 into 5। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे या इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो अब इसको जब कंपेयर करते हैं, 2 की जगह 2 है, m की जगह यहाँ पर 1 लिख देंगे तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं क्योंकि 2, 1, 2, 5 के पावर में 1 रहेगा तब भी 5 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला, तो m की जगह 1 है, सपोज क्या m की जगह 1 ही है, 5 है और n की जगह भी 1 है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि m और n की जगह में 1, 1 है और 2 और 5 तो उसके जगह में है ही। तो अब हम इस नंबर को देख के बोल सकते हैं कि ये इस पैटर्न को फॉलो करता है, सो हैंस दैट नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। ओके, नाउ अब आपको इस नंबर को देखने के बाद ये तो पता चल गया कि हम किसी रेशनल नंबर को देखकर भी बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि उसका जो एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि अगर हम जब डिनोमिनेटर को देखें
तो अगर हमें जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये वाला पैटर्न मिलेगा तो हम बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर ये वाला पैटर्न जो है वो नहीं मिलता तो हम जान जाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसको हमने अभी थ्योरम 1.5 में पढ़ा जो टर्मिनेटिंग के लिए था, और ऐसी सेम थ्योरम एंड 1.7 है जिसमें हमें इसके बारे में बताया गया कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग तब बनेगा जब डिनोमिनेटर इस पैटर्न में ना आए। तो इसे अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, या तो फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर से आप सभी को एक बार रिकॉल करा दूंगा, ठीक है। तो अब हमने इसके थ्रू ये तो जान लिया कि हम किसी नंबर को देखकर, रेशनल नंबर को देखकर ये बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवाइड किए, पर क्या हम इस नंबर को बिना डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपांशन पूरा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? तो अभी मैंने आपको बोला कि हम किसी नंबर को देखकर ये बता सकते हैं कि वो नंबर एक्सपांशन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन का होगा कि टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांशन होगा, ठीक है। पर क्या हम उस एक्सपांशन को निकाल सकते हैं? तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका अब हम देखेंगे। अब देखने वाली बात ये है, तो यहां जब हमें नंबर मिल गया तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग बनेगा कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो 2 3 2 × 5 वेयर 2 4 5 1, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि ये कौन से पैटर्न में है, ठीक है, ये कौन से पैटर्न में है। तो हमें अब पता चल गया इसको देखने के बाद कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपांशन हमें देने वाला है, ठीक है। तो इसे हम एक जगह सेपरेट लिख लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये देगा टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। अब हमें इसका एक्सपांशन निकालना है, एक्सपांशन निकालना है, हमें रिजल्ट दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स को जीरो के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, या नीचे वाले नंबर्स में अब हम देखेंगे कि 2 और 5 का पावर क्या है। तो 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि 2 और 5 का पावर सेम हो जाए, तो हम 3 का अगर इंटू कर देंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में मैं बता दूं कि हम जानते हैं कि 2/10 लिखें तो इसको हम 0.0 लिख सकते हैं, 3/1000 लिखें तो इसे हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पर लेंगे, यहाँ फिर थर्ड के बाद 0, तो 0.003, ठीक है। 192 है और नीचे में 10 है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले नंबर को इसके साथ और 1 को यहाँ वाले नंबर में, 902। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, वैसा ही कुछ जीरो वाले नंबर्स डिनोमिनेटर में बनाना चाहता हूँ ताकि हम सरल तरीके से ऊपर वाला एक्सपांशन जान लें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जब नीचे में 5^3 का इंटू कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर में भी करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब 7/2 4 × 5 1 है, तो मैंने यहाँ पर नीचे में 3 किया और ऊपर में भी 3 से इंटू कर दूंगा। तो अगर मैं चाहूँगा तो इसे और इसे कटा दूँ तो फिर यही नंबर आ जाने वाला है। जैसे कि अगर आप समझ नहीं पाए, सपोज मैंने एक नंबर लिया 2/5, ठीक है। अब मैं 2 से 2 को इंटू कर दूँ और 5 से 2 को इंटू कर दूँ, ठीक है। तो मैं जब उनको इंटू करूँगा तो मेरे को मिलेगा 4/10। अब मैं फिर से इसको कटाऊंगा 2 से, तो फिर से मुझे मिल गया 2/5।
तो सेम नंबर मुझे उस काम को करने के बाद भी मिल जा रहा है, तो मैंने वही वाला काम किया कि 5 to the power 3 और 5 to the power से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे नंबर कौन सा मिलने वाला है, अब देख लेते हैं कौन सा मिलेगा। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 125 बाई 2 5 और 5। ठीक है, तो ये नंबर मेरे को मिल गया 7 5 by 10 into 10 into 10 into by 10 into 4। ठीक है, बाई 10 into 4। तो अब मैं इस जीरो को नीचे में ऐसे लिख लूँगा, 4 जीरो में लगा लूँगा। तो अब मैं जीरो इससे ले लिया, 1 जीरो इससे, 1 जीरो इससे, 1 जीरो यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा आएगा उसके बाद पॉइंट, तो 0.0875। ठीक है, तो मुझे ये वाला नंबर मिल गया। मैंने डिवाइड भी नहीं किया और उस वैल्यू को भी निकाल लिया, उस डेसिमल एक्सपांसन को भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब फिर से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इस वाले क्वेश्चन में कैसे डेसिमल एक्सपांसन निकालेंगे। सो 13 by 125। ठीक है, तो 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 और 125 का क्या होगा, 5 into 5 into 5। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे 3 by 5 to the power 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे हम कैसे इस वाले फॉर्म में बना ले। ठीक है, जबकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा है। तो अब हम इसको इस वाले फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, हम करेंगे 2 to the power 0। पर ऐसा करने पर क्या ऐसा करने पर हमें एक्सपांसन मिलेगा? नहीं, ऐसा करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है। तो हम कर लेते हैं भाई, तो अब हमें ये काम करने से यहाँ पर पता तो चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, पर क्या हम अभी एक्सपांसन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो मैंने पहले इस वाले क्वेश्चन में बोला था कि हम एक्सपांसन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पावर है 2 और 5 का पावर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पावर 0 है, इसका पावर 3 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नीचे में 3 to the power 3 से इंटू कर देंगे और 5 to the power 3 तो रहेगा ही, और ऊपर में भी 2 to the power 3 से इंटू कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 2 by 5 में 2 ऊपर और 2 नीचे इंटू करने से भी वो 2 by 5 ही रहने वाला है, अगर अल्टीमेटली हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सेम हमें इस दोनों को भी अगर कटा देंगे तो यही नंबर सेम मिलने वाला है। तो मिल गया ये 3 और ये मिल गया 2 5 3 3। अब हम क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12 1 5 1 0 0 1। तो ये और यहाँ पर 1 0 आएगा, 0.0 ये यहाँ पर एक और 0 आएगा, फिर 0.052। तो अब हमें बिना डिवाइड किए यहाँ पर वो नंबर, वो एक्सपांसन मिल गया है। सो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर दे हैव द टर्मिनेटिंग एक्सपांसन, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एक्सपांसन। ओके, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करके देखना नहीं है और हमें ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m 5n के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। 13 का हमने कर लिया, हमें पता चल गया क्या आता है। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, तो यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हो जाएगा 5 से सबसे पहले कर लेते हैं अपन, 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5
5 टू द पावर 5। अब हमको इस वाले फॉर्म से इसको कंपेयर करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पर 20 डाल दूँ, 20 डाल दूँ, मतलब वहाँ पर आखिर में कौन सा नंबर आएगा, 20 इज इक्वल टू 1, 20 इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली 1 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिससे कि जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली। तो मैंने यहाँ पर 20 लगा दिया। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 17 और 2 थ्रीजा एंड 5 0 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अगर करना चाहें तो इसको इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और 1 की जगह हमने 5 टू द पावर 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये अल्टीमेटली उस फॉर्म में आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, अब हमें इसे देखना है, 64 का जगह 2 इंटू 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब हम 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो चल देगा 5 से 9 जा 1 जा, ये 7 से 1 जा 3 जा 13 से 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, जिससे कि ये इसको अगर हम इस पैटर्न से कंपेयर करें, इस पैटर्न से, तो ये इस पैटर्न में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पैटर्न में नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 5 2। ठीक है, तो इसको हमने अब देखा कि इस फॉर्म में कंपेयर किया, तो हाँ अब देख पा रहे हैं कि उसी फॉर्म में है, उसी पैटर्न में है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा ये और 3 5, तो 3 5 हो गया, मतलब ये क्या इस पैटर्न से मैच खाता है, नहीं खाता, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इस वाले पैटर्न को देखें तो ये तो साफ साफ इसमें से मैच खा रहा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इस वाले पैटर्न को देखें तो इसमें ये तो मैच खा रहा पर ये नहीं खा रहा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इस वाले को देखें तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 नहीं मैच खा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको देखें तो ये हो जाएगा 5 7 5, 2 इंटू 5 2 सेम मैच खा रहा है, मतलब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब इसको देखेंगे, अब इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11, 2 3 5 7, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है वो इससे मैच नहीं खा रहा, तो इससे मैच खा रहा है इस पैटर्न की तरह है, मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा और इस पैटर्न की तरह नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला जा रहा है कि हमने जब इनकी एक्सपेंशन चेक कर ली, तो अब हम जितने टर्मिनेशन वाले एक्सपेंशन मिले उनकी एक्सपेंशन वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसमें हमसे सबसे पहले हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, एक ये मिल गया। ठीक है, तो अब हम फर्दर एक एक के एक्सपेंशन निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में 13 2 0 इंटू 5 5 है, तो मैंने बोला था कि हम सबसे पहले दोनों का पावर सेम करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का पावर सेम कर लेते हैं। तो पावर सेम करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 का इंटू किया है, तो मैं ऊपर में भी न्यूमिनेटर में भी करूँगा। जब मैं ये कर रहा हूँ तो फिर मुझे वैल्यू कौन सी मिलने वाली है, 13 इंटू ये वैल्यू मिल गई है। तो इस वैल्यू के मिलने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर 5 है, मतलब 5 0 लगने वाले हैं, मतलब इधर से 5 गिनकर
हम डॉट लगा देंगे, मतलब 6 1 4 0 0 1, तो ये हमारा एक्सपांसन हमें मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें एक्सपांसन मिल गया है ये। मैं मिटा के इसे छोटे से डिब्बे में लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारा एक्सपांसन था। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्सपांसन निकालना है, और हमें अब इसमें एक्सपांसन निकालना है। तो इसमें एक्सपांसन में मैंने बोला था कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम करने वाले हैं पावर को, तो सेम करने के लिए मैं 5 to the power 3 से इंटू कर रहा हूँ, तो नीचे में इंटू कर रहा हूँ मतलब ऊपर में भी करूँगा, तो ये होगा 7। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई 2125। अब हमारे पास 3 के बाद 0 है, तो मैं 3 के बाद इधर से स्टार्ट करके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो ये हमारा पॉइंट लग गया है। ठीक है, तो इसको मैं इधर यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 5। ठीक है, तो हमें एक और नंबर मिल गया। अब हमारे पास आ जाते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं इस नंबर के लिए। तो इस नंबर के लिए अपने पास है 3 into 5 2 6 5 2, या इसे हम इस जगह लिख लेते हैं। अब मैं दोनों के पावर को सेम करने के लिए नीचे वाले नंबर से 5 to the power 4 इंटू कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पर मुझे कौन सा नंबर मिल रहा है, अब ये देखेंगे। तो ये नंबर मिलेगा 3 5। तो मुझे अब इसके बाद वैल्यू 6 पॉइंट के बाद मुझे इधर से 6 डिजिट के बाद लगाना है, तो 5 7 3 9 0 0 1, मतलब मेरा वैल्यू आ गया है 0 0 1, ये मेरा वैल्यू होगा। अब एक है हमारे पास ये वाला नंबर है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 23 23 2 3 5 2, सेम करने वाला है काम यहाँ पर 5 2 3 5 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.115। अब हमारे पास और कौन सा नंबर है, हमारे पास ये वाला नंबर है, तो इस वाले नंबर को यहीं पर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपन करेंगे 5 into 7 2 into 5 2 into 5 into 7 2 into 2 into 5 2, हो गया 70, हो गया 2 2 2 100, ये मिल गया। तो अब हमने फाइनली सारे नंबर्स का, जितने भी हमें टर्मिनेटिंग नंबर्स मिले उनका हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल के रख दिया है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी अब खत्म होता है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बोकर्स टाइप का है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिवाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड इफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो ये वाले नंबर को सबसे पहले हम देखते हैं, ये वाले नंबर को सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो नंबर है, ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। सबसे बड़ी बात, तो पहली बात तो टर्मिनेटिंग है, और हमको यहाँ पर बोला गया है इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर q। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यहाँ पर है कि हमें ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो q की वैल्यू क्या आएगी। तो अब हम इसे जब देखते हैं तो हमें साफ साफ पता चल जाता है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नो डाउट टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एक जगह खत्म हो जाता है। तो q क्या होगा अगर टर्मिनेटिंग है, तो 2m/5n के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया। तो अब हम देखेंगे इस नंबर को, इसमें और हमको पता चल रहा है कि ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिकरिंग है। तो इसका जो क्या बोलते हैं q, तो होगा ही नहीं q, तो मतलब एक पर्टिकुलर q होगा पर जिसका हम
वैल्यू कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन सा होगा, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये नंबर में जो क्यू की वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि हमको एक सेट मिल रहा है यहाँ पर, एक अच्छा सा सेट मिल रहा है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये एक रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है। तो अब हम ये बोल पाएंगे कि जो Q की वैल्यू होगी वो 2m5n के फॉर्म में नहीं होगी। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन नंबर को, ताकि मैं अपने बुक में ढूंढकर उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बनाकर दे सकूं। साथ में अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।